इतना काम करने के बावजूद भी अगर पीएससी आते हैं तो हम लोग को प्रभारी यही कहते हैं कि आप लोग को काम करने में मन नहीं लगता है, ये उनका कैसा सवाल जवाब है, ये वो इस तरह से करेंगे तो क्या हम लोग काम करेंगे? इतना काम करने के बाद भी एक मीठा बोल नहीं बोल सकता है, अभद्र व्यवहार पहले करते हैं। और हम जैसे ऐसा नहीं कि हम ही को और भी आशा को वो इस तरह से बोल चुके हैं कि आप लोग का स्पष्टीकरण निकालेंगे तो यकीन दीजिए, क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? प्रभारी होकर के आप ऐसा बोलिएगा तो अगला हम लोग क्या करेंगे? मनसा क्या है? समस्या हम लोग को COVID-19 का 2 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग को पहले पैसा चाहिए तब 17 का मेगा अभियान पूरा होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। परिवार नियोजन कराने आई महिलाओं का टूटा सब्र का बांध, जमकर किया हंगामा। भागलपुर जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 4 दिनों से परिवार नियोजन कराने पहुंच रही महिलाओं का सब्र का बांध गुरुवार को टूट गया। ऑपरेशन कराने आई महिलाओं ने हॉस्पिटल परिसर में जमकर हंगामा किया। बता दें कि 13 सितंबर से 25 सितंबर तक परिवार कल्याण पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें महिलाओं को परिवार नियोजन के तहत ऑपरेशन कराना था। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, परंतु जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले सोमवार से आशा कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को परिवार नियोजन अंतर्गत ऑपरेशन कराने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन यहां प्रतिदिन शाम तक इंतजार करवाया जाता है और शाम होने के बाद कल आने का आश्वासन देकर वापस कर दिया जाता है। मामला पहला है क्या ऑपरेशन पखवाड़ा का हो जाता है, जो से मैसेज कि पखवाड़ा चल रहा है और पखवाड़ा में जब पेशेंट एरी चोटी एक करके लाते हैं, एक पेशेंट लाने में हम लोग का एक चप्पल टूटता है और यहाँ के 12-13 दिन से पेशेंट घूम घूम के जा रहा है। पेशेंट अगर हम लोग के ऊपर हावी होगा तो हम किसके ऊपर हावी होंगे? हमको जब पीएससी काम करा तो हम पीएससी के ऊपर होंगे या नहीं होंगे, ये क्या मांग मेरा जायज है या ना जायज है बताइएगा इसे। उसके बाद मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत छातापुर प्रखंड के क्षेत्र संख्या 19, 20 एवं 21 में जिला परिषद पद के लिए पहला दिन 5 लोगों द्वारा पर्चा दाखिल करने की है। निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडलीय पदाधिकारी SZ हसन ने बताया कि 16 सितंबर से जिला परिषद पद के लिए पर्चा दाखिल शुरू हो चुका है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। वहीं नाम निर्देशन की संवीक्षा 23 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगी। साथ ही प्रत्याशी अपना नाम वापस अगर लेना चाहें तो 27 सितंबर तक ले सकते हैं। आपका क्या मुख्य उद्देश्य है जो नामांकन करने आया जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा मुख्य उद्देश्य है 15 साल में जो नहीं हुआ है वह करना है। एक शिक्षित महिला है, मतलब आप लोग हमें वोट दे, आप लोग का सारा आभारी रहूंगी। जनता के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता के बीच संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षित महिला हमें वोट दे, हमें जिताए, जो 15 सालों में नहीं हुआ है वो करके दिखाएंगे हम। प्रथम दिन चुनाव का नामांकन था जिला परिषद का, किन किन क्षेत्रों का नामांकन था और कितना नामांकन किया गया है? आज 19 सुपौल जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र से 2, 20 निर्वाचन क्षेत्र संख्या से 2 और 21 निर्वाचन क्षेत्र संख्या से कुल 5 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। ये सही तरीके से विधि व्यवस्था ठीक ठाक से हुआ या कोई दिक्कत? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, विधि व्यवस्था बड़ा शांतिपूर्ण आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए नामांकन। भागलपुर जिले के दूसरे चरण में सन्हौला प्रखंड में आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 22 सितंबर तक चलने वाले नामांकन को लेकर विभिन्न पदों के उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। चाहते हैं इसीलिए यह जनसमूह आप देखे, काम का आशीर्वाद देने आए थे क्या? न, काम का आशीर्वाद और जो भाईचारा कायम रहा इस 5 साल में, इस दरवाजे से कोई भी व्यक्ति निराश नहीं लौटा। छोटा से छोटा काम के लिए भी मुखिया हमेशा उपलब्ध रहे। किसी को यह नहीं मौका मिला कि मुखिया जी घर पे नहीं है या आज यह नहीं हो सकेगा, यह कभी शिकायत नहीं हुआ, इसीलिए यह जनसमूह था। जनता का विकास किए हैं और पूरी अपने जो हमने शपथ ली थी कि जात पात भेदभाव अगड़ी पिछड़ी सबको मिटा के हमने काम किया है। हमने किसी भी
कोई मेरे पंचायत में जितने भी जात हैं, आप ऑनलाइन सारा। भागलपुर जिले के दूसरे चरण में सन्होला प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 22 सितंबर तक चलने वाले नामांकन को लेकर प्रखंड कार्यालय में 5 पदों के लिए नामांकन कार्य शुरू हो गया, जिसके बाद प्रखंड कार्यालय में नामांकन कराने को लेकर बड़ी संख्या में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। 4 बना है सरपंच का, 8 बना है वार्ड का। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को सुरक्षा फोर्स रखा हुआ है पूरा। किस तरह कितने लगाए हैं, क्या क्या 15-20 20 को है आपका फोर्स, तीनों थाना से आया हुआ है, वही सुरक्षा कर रहे हैं। मैडम आप रिटर्निंग अफसर हैं, सारा चीज आपको देखना है, लेकिन कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। अब देखिए बाबू, इसमें उसमें देखिए बाबू, हम तो सबको कहते हैं, आप भी नहीं पहन कर आपको कहबे करेंगे, वैसे सारा गाइडलाइन हम लोग दे दिए हैं। जिला विधिक सेवा पदाधिकार लखीसराय के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता शिविर लखीसराय प्रखंड के कार्यालय के सभागार में एवं संतर मोहल्ला के महादलित टोला में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा पूजा को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज के नगर सरकार भवन में धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान नगर सरकार भवन में विश्वकर्मा भवन की प्रतिमा को बैठाते हुए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। अब वाहन मंगाए और बहुत ऐसा वाहन है, और 25 वाट टोटो मंगाए हैं, 25 टोटो सब, हम सभी जनता को यही शुभकामनाएं करती हूं कि मैं मेरे जनता सभी वार्ड का खुश रहे और स्वस्थ रहे, और विश्वकर्मा पूजा जो है बहुत अच्छा से मनाया गया है, और सभी पार्षदों को निमंत्रण दिया गया है कि सभी आके प्रसाद खाएं और खूब शुभ से विश्वकर्मा पूजा मनावा। तो प्रत्येक वार्डों में क्या, क्या? भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर भाजपा के जिला प्रवक्ता कुमार श्रवण के नेतृत्व में सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में मरीजों को मुफ्त फल का वितरण कर लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह दी गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश वर्ष में सेवा और समर्पण कार्यक्रम की आज से हम लोग शुरुआत किए हैं, जो अगले 20 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा सेवा और समर्पण का। इसी कड़ी में आज हम लोग अस्पतालों में जाकर हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मरीजों को फल वितरण। भागलपुर में बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार में आज भी भू माफिया हावी हैं। उनका विभाग भू माफियाओं से निपटने के लिए तैयारी भी कर रहा है, लेकिन सरकार से ज्यादा संपत्ति में मालिक जिम्मेदार होता है, जो आपस में मामला सुलझाने के बजाय दलाल और भू माफियाओं के संपर्क में ज्यादा यकीन रखता है, नतीजन हिंसक वारदात बढ़ती जाती है। उसको पक्ष में मदद भी किया, मतलब निर्णय लिया है, लेकिन हमारा विभाग और हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पलटा और कहा कि नहीं, ये सही मामला है कि जमीनी विवाद के कारण जुडिशरी में केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो छोटे छोटे जो मामले हैं वो डिसलार के फिर पुनः पावर वेस्ट किया गया है, और ये सभी लोगों को मैंने दे भी दिया, मेल पर खबर भेज भी दिया। सर्वे रिपोर्ट है तो बिहार में भू माफिया हावी है? बिल्कुल सर्वे में रिपोर्ट में नहीं, हमारे आपके। भागलपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री खास मौके पर मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर संकल्प हवन कर गरीबों को अन्न दान किया। मौके पर संगठन मंत्री नरेंद्र समेत कहलगांव एवं बिहपुर के विधायक समेत महिला कार्यकर्ता भी शामिल रही। नमः नमः।